his legs for? Ready, yeah. Oh my god. और सब कैसा है? आई रेडियो के सब बढ़िया हूँ, मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। तो टेक्सास की गर्मी जो है डैलस में अभी शुरू ही हुई है, और उसको छोड़ के हम लोग आ गए हैं अभी वीकेंड पे डेनवर कोलोराडो में, जहाँ पे अच्छी खासी स्नो हो रही है, और स्की करने के लिए हम आए हैं वीकेंड पे। तो कल हम जाएंगे स्की करने, और अभी हम जस्ट पहुँचे हैं हमारे एयरबीएनबी में। और एटमॉस्फेयर जो माहौल आसपास का जो बर्फ़ का है, ये देखिए, मुझे बहुत टाइम हो गया, क्योंकि कैंसर सिटी में जब मैं था तब मुझे स्नो देखने के लिए मिलती थी, तो काफ़ी टाइम से स्नो नहीं देखी, और देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया स्नो हो रही है। जो घर एयरबीएनबी ने लिया है वो माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, और बहुत ही कोजी, बहुत ही कंफर्टेबल एयरबीएनबी। तो चलते हैं एयरबीएनबी देखते हैं, थोड़ा सा आपको एयरबीएनबी का टूर देता हूँ ज़रा सा, और फिर जब हम कल स्की के लिए निकलेंगे तो वो एडवेंचर हम इस बार पूरे वीडियो में देखेंगे कि स्की का जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है, कैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है। तो अभी ज़रा सा एयरबीएनबी देखिए, उसके बाद कल चलेंगे स्की करने के लिए। तो यहाँ पे किचन है, लाइट थोड़ी सी कम है, पर डाइनिंग टेबल, हाँ ये ले लेते हैं। यहाँ पे कोजी बैठने की स्पेस, ऊपर इसको वायरल कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे एक बेडरूम है जिसमें हीटिंग वगैरह चालू है, और इसी में वॉशिंग मशीन वगैरह है, और ये डेक है सामने जो कि बहुत ही सुंदर है। रूम से अपन अगर डेक खोलते हैं तो ये आपके लिए स्नो, जो कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि चार से पाँच फीट की स्नो है आपकी डेक पे ही। पूरी डेक कवर्ड है, 4 फीट एटलीस्ट है। तो हॉल, किचन, पूरा एयरबीएनबी का बेसिक सेटअप, एक रूम ऊपर है, तो इस तरीके का हमारा एयरबीएनबी है। और यहाँ पे भी एक और एंट्रेंस है, सो यहाँ भी फुल स्नो है। तो ये बैकयार्ड है, उधर पैटियो है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, और कल हम निकलेंगे सुबह स्की के लिए। अभी हम थोड़ा सा कोजी सेटअप जो है उसको एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, और फिर बाकी अपडेट्स आपको मैं दूंगा कल। तो मॉर्निंग बढ़िया हो गई है, यहाँ पे काफ़ी सारी स्नो हमारे आसपास, और निकल रहे हैं स्की करने के लिए। मैं थोड़ा सा जल्दी लेयर जो है वो पहनना पड़ती है, तो वो पहन के रेडी हो जाता हूँ स्की करने के लिए। सो रेडी और निकलते हैं, तो चलते हैं कार में, थोड़ा सामान रख लेते हैं, और वेदर तो बहुत ही प्यारा हो रखा है। आशीष इज हियर। आशीष को हमने 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था कायक वाले वीडियो में देखा था। उसके बाद हम 2-3 बार मिले ट्रिप्स में इधर उधर, तो ये हमारा रहता है गो टू की फट से कहीं भी चलना है, स्की करने जैसे भी निकल रहे। तो मैंने आशीष को कॉल किया 2-3 हफ्ते पहले, और फट से हम लोगों ने फ्लाइट बुक की, और अभी सब लोग जा रहे हैं स्की करने के लिए। सो फॉर्चुनेटली कार पे ज़्यादा स्नो नहीं है, वरना अभी स्नो शवल करना पड़ती, जो कि केसी में हम लोग करते थे, तो वो अच्छा है कि कार की हालत उतनी बुरी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी, 40 मिनट्स का ड्राइव है पार्किंग का, फिर वहाँ से शटल लेनी पड़ेगी, एंड देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पार्किंग लॉट में गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है, और फटाफट निकलते हैं शटल कैच करके स्की रिजॉर्ट के लिए। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने कर लिया है, जो भी हमारे पास वगैरह थे वो मिल गए हमको, और अभी हम रेंटल पे हैं, तो जो स्की के बूट्स और वो सब रेंट करना है वो लेके फिर निकलेंगे, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेसन हमको लेना है। स्की करने का तो पता नहीं, स्की के जूते पहनने में चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइट है जूते कि लिटरली ऐसा लग रहा है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पहले ही हम हाई एलिवेशन पे, सभी लोगों की हालत ख़राब हो रही है सिर्फ जूते पहनने में। इसको कैसे करना है ये? हाँ, इसको स्ट्रैप को लगाओ पहले, मेटल को।
तो अभी इन लोगों ने पहन लिए, मैं तो लास्ट तक पहन रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि पैर दुखने लग गया था। तो अभी पहनता हूँ, लॉकर में सामान रखेंगे, पीछे से रेंटल हेलमेट और वो उठाएंगे, फिर निकलेंगे। हालत अभी से ही ख़राब है, आई डोंट नो स्की कैसे करेंगे। तो अभी बेसिक स्कीइंग के हमने स्टार्ट किया, उन्होंने हमें कैसे स्की की जो ये स्कीज़ हैं इनको पुट करना सिखाया और कैसे थोड़ा सा ग्लाइड वगैरह करना सिखाया। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपके पैर बहुत दुखते हैं, जैसे इतने टाइट शूज़ हमको पहनने की आदत नहीं है, तो वो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है चैलेंज है। और लेयर्स जो पहनी है वो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा पहन के आया हूँ ठंड के चक्कर में, क्योंकि टेम्परेचर नीचे था, पर अब क्योंकि सन बाहर है तो वो भी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर वगैरह चेक करके आएँ, एंड पैर बहुत दुखते हैं। सो अभी थोड़ा सा हाइट पर लेके आए हैं हमको और बेसिक्स के बाद अब थोड़ा सा स्लाइड ग्लाइड वगैरह करना सिखाएंगे, तो वो सीखेंगे हम लोग। पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास पहाड़ वगैरह काफ़ी सुंदर हैं, सो वो देखिए। उतनी हाइट से लोग जो है वो स्की करते हुए आ रहे हैं, सो प्रो लोग जो हैं वो ऊपर से स्की करते हैं पूरा हाइट से, और बने हुए हैं पूरे पाथ उनके लिए। सो जगह जगह उन्होंने पाथ बिल्ड किए हुए हैं। हम थोड़ा बहुत भी कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, ये ट्रिप वर्थ होगा। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वीरा? आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। आशीष, हाउ आर यू डूइंग? नॉट माय गेम, नॉट कप ऑफ माय टी, ऑलरेडी टायर्ड। हाँ, तो ये है कि स्की करने से ज़्यादा सामान लेके चलना टायरिंग, क्योंकि एक घंटे से हमको ये सामान उठा उठा के चलवा रहे हैं कि ये उठाओ वो उठाओ और चलो। यस, सो वहाँ जाना है फिर से उठाएंगे सामान। या नाइस, पिज्जा पिज्जा गॉन। और ये हमारा पहला नीचे जो ग्लाइडिंग लेसन है वो है, और ये आशीष यहाँ पे। तो मैं भी सिखा दूँ गुगली कैसे जाते हैं, कर पाए। एक प्लेयर डाउन है, बाकी प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं। इट्स वे हार्डर देन द जितना इजी लगता है। कम ऑन आशीष, कोई हाथ दो मुझे। हाँ दे रहे हैं। स्प्रेड दोस लेग्स फॉर, देयर यू गो, लीन फॉरवर्ड मोर। या लीन फॉरवर्ड, नाइस, जस्ट लाइक दैट। Lean forward, spread those legs. ये वापस किया। अरे यार, oh my god. दूसरी बार। So ये हमारा स्की का इंस्ट्रक्शन जो डे था वो ख़त्म हुआ, इंस्ट्रक्शन साइड वाला। $250 यानी कि $250 का लेसन था, जिसमें उन्होंने 3 घंटे हमें लेसन सिखाए। एंड ये जो लिफ्ट है इसको पकड़ के हम ऊपर गए, 1-2 बार 3 बार मैं कम से कम गिरा हूँ, पर बहुत काफ़ी फन एक्टिविटी थी। ये इस तरह है कि एक दिन में आप नहीं सीख सकते, सो यू नीड मोर डेज टू डू इट। और पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं जिसकी हद नहीं है। पर इंस्ट्रक्शन लेसन ख़त्म हुआ, अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। उसके बाद अगर एनर्जी बचती है या टीम कहती है कि वापस करने आ रहे हैं तो देखते हैं वापस करने आएंगे। इस $250 के पैकेज में रेंटल जो ये हमने लिए थे ये सब इंक्लूडेड था, एंड साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूडेड था। सो चलते हैं लंच करने के लिए। तो बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी के लिए, अभी वहीं पे जाके लंच वंच करेंगे। पर क्या बढ़िया यहाँ पे लोग स्की और स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं, आप देखिए। वहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपटीशन टाइप का चल रहा है, पूरी एक टनल टाइप की बनाई उसमें लोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस या प्रो टाइप का, बट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने ज़्यादा लोग इस एक्टिविटी को या स्पोर्ट को इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब इतने लोग तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी निकलेंगे लंच करने के लिए। वो पूरे दिन का जो बेस्ट पार्ट है वो अब होने वाला है कि मैं शूज़ जो है वो उतारने वाला हूँ। इन शूज़ में जान निकल जाती है, अंदर पूरे छाले छाले हो गए ऐसा लग रहा है। तो अच्छा खासा लंच हम लोगों ने किया, काफ़ी देर बैठे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। कुछ दोस्तों ने तो अभी पैरासीटामॉल वगैरह की गोली खाई, क्योंकि स्की बूट्स में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और पेन होता है बॉडी में स्की के बाद, तो वो किया। अभी हम लोग आ गए ट्यूबिंग करने के लिए, तो ट्यूबिंग एक एक्टिविटी होती है वो करने के लिए, एंड उसका टिकट जो है वो $42 का था, सो लगभग अराउंड 3500 रुपीज़ का वो टिकट हमने ले लिया है। और 5 बजे से हमारी ट्यूबिंग है, सो वो करेंगे। तो ट्यूबिंग की जो एस्केलेटर है उस पर हम लोग चल रहे हैं। ये सबसे अच्छा स्पोर्ट है।
ये सबसे आरामदायक है कि आपको ट्यूब लेके ऊपर नहीं चढ़ना पड़ रहा है, आपको उन्होंने इस तरह का एक बेल्ट लगा रखा है जिसमें आप खड़े हो जाएं ट्यूब लेके, और अभी ऊपर जाएंगे फिर वहाँ से ट्यूबिंग करेंगे। सो बेसिकली ट्यूब से नीचे आना है। बंदा जरूर इरिटेट हो गया था। अभी तो छोड़ दे। स्टार्ट करते हैं राउंड टू। अरे पैर पकड़ना छोड़ मत तेरा। नहीं पकड़ नहीं छोड़ूंगा। पैर मत छोड़ना आशीष। आकाश। आशीष बहुत नीचे रहा। तो स्की से ज़्यादा फन ट्यूबिंग का हमें लगा, बिकॉज स्की हमें करना आती नहीं थी तो इतना मज़ा नहीं आया, और ट्यूबिंग में करने लायक कुछ था नहीं। तो ऊपर से बैठो तो बच्चों जैसे, और ट्यूबिंग वॉज फन। तो कुछ इस तरीके का हमारा दिन रहा, स्की थोड़ा बहुत सीखा, ट्यूबिंग किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।